तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 9 धनु यानी कि सेजिटेरियस की। धनु राशि वालों, आज का आपका दिन बेहतरीन रहने जा रहा है और सितारे ऐसा इशारा करते हैं। आज ऐसी संभावना है कि आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और जिसका फल आपको किसी न किसी रूप में बड़ी सफलता के रूप में जरूर मिल सकता है। आज परिवार का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है और रिश्तेदारों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर भी जा सकते हैं आप। आज बच्चों के साथ मनोरंजन के लिए कुछ प्लान भी बना सकते हैं। संडे को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा जरूर काम करें, भैरव जी के वाहन यानी कि श्वान को यानी कि कुत्ते को रोटी खिलाएं, आपको सब सुखों की प्राप्ति होगी। आज मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा आपको इसी के साथ ही, वो ये कि बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है पूरी तरीके से, अन्यथा आपकी जेब पर यह भारी पड़ सकता है। आज आपकी पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी ना सुनने की प्रवृत्ति की वजह से बेवजह पारिवारिक विवाद हो सकता है और संभावना ऐसी है कि भाइयों के बीच में वाद विवाद भी हो सकता है और आपको इसके कारण परिजनों से आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपने परिवार की भी सुने, अपने भाई बहनों की भी सुने और अपने जीवन साथी की भी सुने और सबको महत्व दें। आपको अपनी रसिक परिकल्पनाओं को और कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभवतः बहुत दिनों से जो अनरोमांटिक कंडीशन चल रही थी वो आज रोमांटिक बन जाए और आपका सपना सच हो जाए। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करे और इस दिन को यादगार बना दे। कोई आपका बिछड़ा प्यार जो आपके जीवन में रस की और रंग की प्रचुरता फिर से ले आए, लेकिन इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपको अपने जीवन साथी के प्रति पूरी वफादारी बरतनी है और अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके शुभ की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व और शुभ समय रहेगा दिन में 1:30 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक का। और उपाय के तौर पर आप क्या करें, भगवान वराहावतार पर चढ़ी मेहंदी हाथों में लगाएं, इससे दिन बन जाएगा आपका और जीवन में सफलता भी आपका साथ जरूर देगी।